so hey guys welcome to my channel in this video i am going to talking about a poem the sea history by drake walcott so drake walcott a caribbean poet and 1992 won nobel prize in 1992 and he was the first caribbean poet who won nobel prize in english literature the poem deal with one's history culture and life in general it begins with interrogation that are overly pointed

हेयर सी रिप्रेजेंट द स्टोर हाउस ऑफ लॉस्ट कल्चर लैंग्वेजिटी सी ऑफ अफ्रीकन एज वेल एज देयर फीयर सोरो एंड ऑपरेशन इस प्रकार समुद्र ही उनका इतिहास है इन दिस लाइन सेज की जो कैरेबियन कोलोनाइजर कैरेबिया आए थे उनके हिसाब से कैरेबियन अनस्किल थे इलिटरेट uh, थे उनको कुछ आता नहीं था एंड दे आर लाइक द क्रूड ऑयल जैसे कच्चे uh, तेल होते हैं एंड दैट्स वाई दे केम देर एज लाइक विथ अल लाइट इन सिप टू मेक पोइट्स कंट्री एज दे इमेजिन वो उस कंट्री को वैसा बनाना चाहते थे जैसा वो चाहते थे एंड इट वॉज लाइक फिफ्टीन सेंचुरी में जब वो एक्सप्लोर uh, करने के लिए वेस्ट अफ्रीका और अंटार्टिक ओशन के एक्सप्लोर करने के लिए जिस शिप को लेके पहुँचे थे एंड जी होपा फ्लाइट लेकर यूरोपियन यूरोपियन अफ्रीका पहुंचे थे दैट लाइट वाज नॉट लाइट इन रियलिटी देअर वॉज ए हिडन मोटो ऑफ यूरोपियन टू मेक कैरेबिया देयर स्लैब्स यहाँ पोइ ने एक्सडस वर्ड का यूज़ किया है एंड इस टेल द स्टोरी ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ इसराइल लिविंग द स्लेवरी इन इजिप्ट अंतर द गाइडेंस ऑफ मोसिस एंड इसी तरीके से Exodus, इसके पूरा डिफ्रेंस है यहाँ कैरेबियन बच्चों को स्लेब बना कर रखा गया है उनको यात्राएँ दी जा रही हैं उनको पीटा जाता है एंड इस वजह से वो रो रहे हैं वो इस बात को बहुत ज़्यादा ही uh, उनको बुरा लग रहा है एंड ही फील्स वेरी बैड फॉर दैट चिल्ड्रन्स इन दिस स्टेंजा पोइ से जिन लोगों को स्लेव्स बना करके कोलोनाइजर्स uh, लेके जाते हैं वो रास्ते में भूख के या फिर उनके पिटने की वजह से जिनके डेथ हो जाती है उनको वो लोग समुद्र में फेंक देते हैं एंड फेंकने के बाद उनकी बो से एक मोजाइक का सुंदर सा पैटर्न बन जाता है एंड इन दिस स्टेंजा पोइट ऑल्सो मेन्सन अबाउट सार्क यहाँ पर सार्क की तुलना उन्होंने कोलोनाइजर से की है जो पावर के भूखे हैं ये जो एंड उन्होंने बोला है कि ये जो सुंदर मोज़ाइक पैटर्न बन रहा है लोगों को समुद्र फेंकने के बाद जो पैटर्न बनता है इसे पोइट ने आर्ट ऑफ कन्वीन बोला है जो कैरेबेनियन के लिए एक रिवॉर्ड है इन दिस दिसर ऑफ द पोएम पोए सैड एंड मोडफुल सॉन्ग तल से हम सुन सकते हैं ये जो सैड सॉन्ग है ये उन बेबी लूनियन के द्वारा गाया गया है उन उन दासों के द्वारा गाया है गाया गया है जब जूस जो प्रेजेंट टाइम का इसराइल है वहाँ के लोग बेबी लूनियन के लोगों को दास बनाकर ले जा रहे थे और रास्ते में जो लोग मर जाते थे या फिर जो लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी वो उनको समुद्र में फेंक देते थे उनकी डेड बॉडी को डजेंट मैटर दिस स्टोरी लुक्स लाइक कैब बेबोलोनियल एग्जाइल फिर भी सीज फिर भी जो समुद्र है स्टिल लुकिंग फॉर द अफ्रीकन हिस्ट्री इन दिस लाइन पॉइंट मेंशन की जो कॉलोनिस्ट अफ्रीका आए हैं वो ऐसे आए हैं जैसे लगता है लंगरों में जब भूखा इंसान जाता है उस टाइप में उनकी आंखें दिखाई दे रही हैं एंड वेन दे केम कैम अफ्रीका वो लोगों को मारना स्टार्ट करते हैं उनको लूटना स्टार्ट करते हैं एंड जानवरों को भी मार देते हैं जंगलों को नष्ट करते एंड दे ऑल्सो डिस्ट्रॉय नेचुरल इकोसिस्टम एज द पोर्ट रॉयल टू जामिका वॉज जमिका यहाँ पर एक मैंशन किया गया वर्ड जो एक था रॉयल पैलेस जैसा जामिका वॉज डिस्ट्रॉय बाय द अर्थक्विक इन इन दिस अर्थ क्विक एंड इन दिस स्टेंज आई पोइट मैंशन अबाउट द जोहान जोहान इज द बेबिकल स्टोरी ऑफ द योन्स हु वॉज सोलोड बाय द जिया फिश यहाँ पोइट ने पोर्ट रॉयल का गिरना जोहान से कंपेयर किया है ये सारी चीज़ें अफ्रीका सफरिंग से सिमिलर है बट इट इज़ नॉट अ रियल अफ्रीकन हिस्ट्री एंड दस पोइट डिस्क्राइब द क्वेस्ट फॉर द हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका इस स्टेंजा में पोइट आंसर हिमसेल्फ दैट हिस्ट्री इज हिडन सी सेंड जहाँ अफ्रीकन स्लेव की बॉडीज हैं एंड अफ्रीकन पीपल को अपनी हिस्ट्री को फाइंड आउट करने के लिए डेडिकेशन दिखाना चाहिए तभी पोइट उनकी हेल्प कर पाएगा पोइट के अनुसार समुद्र तल के नीचे अफ्रीकन स्लेव एंड फाइटर की लाशें दबी हुई हैं एंड द सिटी हैज़ रो ऑफ सी सेल्स एंड इट हैज़ अ गौथिक विंडो इन द फॉर्म ऑफ सी फैंस यहाँ एक मछली मछलियों का जिक्र किया गया जिसकी है जिसकी आंखें चमकीली हैं और तरा तराजू पर यह एक ज्वेल्स की तरह न, रह गई हैं दस दस्ट द फेल्ड्स इज स्पाइट ऑफ बींग बार्ड लुक लाइक अ क्वीन्स हियर द वर्क बाल क्वीन रिफर टू क्वीन एलिजाबैथ फर्स्ट हु बिकेम हाफ बाल बिकॉज ऑफ समिजीज द पोइट सेज दैट दिस सिटी हैविंग केव डिवाइडेड इन सीमेंट्री एंड डेकोमेट्री बाय बार्निकल्स इज द हॉली प्लेस फॉर अफ्रीकन एज चर्च इज टू कोनोलिस्ट एनिनेस लाइन उन्होंने गोमोरा वर्ड का यूज़ किया है गोमोरा एक बिब्लिकल और पुरानी स्थान था जो भगवान जी की क्रोध के शिकार बन गया और नष्ट हो गया था वैसे ही कोलोनिस्ट को, को यहाँ कंपेयर किया गया कोलोनिस्ट गिल हु हुमेन वुमेन जिन जिनकी बॉडीज रॉक्स के साथ मिक्स हो गई या फिर जानवरों का टेस्टी डिस बन गई एंड दस अफ्रीकन सफरिंग सीम्स टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ गोमोरा एट इट रियल हिस्ट्री इज एट टू बी डिस्कवर्ड इन दिस लैंड पोर्ट्स से इको सिस्टम को और तिनको से बने घरों को यानी कि लोगों के रहने की चीज़ों को नष्ट करने के बाद जो कॉलोनाइजर आए थे अफ्रीका मे क्रिएट देयर ऑन टाउन दैट लुक लाइक द लेयर ऑफ़ फोर्थ इन द सर्फेस ऑफ रिवर वो ऐसा दिखाई दे रहा था ना जैसे नदी की सरफेस पे झाग और इसका विकास अफ्रीका के विकास की योजना के साथ किया गया है एंड ये जो इनके गुड एक्ट इन द नेम ऑफ द न्यू टेस्टामेंट है वर्ल्ड हर्टिंग ह्यूमैनिटी एज वेल एज़ गॉड इन रियलिटी ये सारी चीज़ें बस शो तो ऑफ के लिए है कि वो अफ्रीका का ग्रोथ करना चाहते हैं बट द एक्चुअल फैक्ट इज़ कि वो वहाँ पे ख़ुद को स्टेबल करना चाहते हैं एंड ये सब सारी चीज़ों को बहुत हर्ट कर रहा है गॉड को भी एंड ह्यूमैनिटी को भी इस लाइन में पोइट ने बोला है कि जो सेवन सिस्टर हैं जब आ, सेवन सिस्टर्स का जिक्र किया गया ये क्रिश्चैनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं यहाँ पे कवि कहता है कि क्रिश्चियनिटी को इलिट्रेसी एंड सुपरस्टिशन रिचुअल से लिबर्टी दिलानी होगी क्योंकि यहाँ पे उस क्रिश्चियनिटी में सुपरस्टिशन्स की बहुत ज़्यादा भावना संभावना है यह एक एमिनेशन एक्ट के जैसा है जो मुक्ति अधिनियम के जैसा है लगभग लगभग लग और ये वैसे ही गायब हुआ था जैसे समुद्र तल का पानी सूरज की रोशनी पड़ने पर गायब होती है इसीलिए कवि कहता है कि अभी भी अफ्रीका की हिस्ट्री के बारे में पता नहीं चल पाया क्योंकि यह धर्म से संबंधित और अफ्रीकन हिस्ट्री रिलीजन पर आधारित नहीं है एंड पोइट कहते हैं कि अफ्रीका वाज़ अ ह्यूज कंट्री एंड कॉलोनिस्ट ब्रोक इट डाउन इनटू अ स्मॉल नेशन जस्ट फॉर देयर ओन मीन्स लाइक अफ्रीका को किसी भी रिलीजन बेस पर उसकी हिस्ट्री को हम जज नहीं कर सकते इट अ अूज़ कंट्री एंड फॉर फाइंड आउट द अफ्रीकन हिस्ट्री वी शुड सी अ फाइंड आउट अ अनदर वे और अनदर पाथ इन दिस लाइन पोइट डिस्क्राइब की यू जो यूरोपियन आए वो अफ्रीका कैसे आए फर्स्टली दे कम लाइक मक्खियों की तरह पहले आए है भन बन बनाने वाली मक्खियों की तरह आफ्टर दैट पादरी की सभा आई देन कैम ऑफिसल्स लाइक हिरोन जो सारस की तरह से आए फिर फ्रॉक के जैसे वोट मांगने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स आए देन इंटेलेक्चुअल विथ इनोवेशन एंड न्यू आइडियाज लाइक ग्लो वॉर्म्स एंड इसी तरह से पूरी अफ्रीकन सिस्टम जो वेस्टर्न कंट्री थी उधर की सारी सिस्टम्स इधर आए वॉज इंट्रोड्यूस टू अफ्रीका वो अफ्रीका तो में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया एंड इसके साथ ही अफ्रीकन्स स्टार्ट क्रिएटिंग देयर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू तो गेट रीड ऑफ वेस्टर्न रूल एंड दिस पॉलिटिकल सिस्टम मार्क टू तो बिगिनिंग ऑफ तो रियल हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका एंड यहाँ जो इमेजनरी इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स की बात की गई है वो बिब्लिकल रेफरेंस के थ्रू की गई है एंड इट वाज लाइक जब इजिप्ट से दस विपत्तियों के संदर्भ में ऐसा कुछ बोला गया इस लाइन्स में द पोइट्स सेज ऑफ व्यू दैट वेस्ट वेस्टर्न पीपल आर लाइक इंसेक्ट इन अफ्रीका यहाँ पर पोइट ने अफ्रीका की हिस्ट्री को फाइंड आउट करने की कोशिश की है और उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कैसे यूरोपियन जो आए थे वो अफ्रीका को अपनी कॉलोनी बनाए थे एंड इन सारे ट्रबल को पोइट ने इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आई होप आपको ये डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा होगा कॉज मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में से कवर करने की कोशिश की है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द इंड